भाई सही में आज मंडे नाइट रॉ के साथ साथ ब्रे वायट को लेके भी अब कुछ मैं कह सकता, मैं आपको ज्यादा बात कर नहीं रहा था ब्रे वायट के बारे में, लेकिन कुछ सीरियस लेने वाली चीजें हैं और रोमन रेंज भी भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर आने वाले हैं। तो शुरुआत से पहले हमको जो मंडे नाइट रॉ की देखने को मिलती है वो थी बियांका ब्लेयर के साथ, और वो यहाँ पे यही सारी बातें बोल रहे होते हैं। हो सकता है आपका आवाज में थोड़ा सा आया तो भाई उसको थोड़ा सा सह लेना। तो बियांका ब्लेयर यही कह रही होती है कि कैसे उनके ऊपर नंबर्स गेम वाली सिचुएशन में पूरी बात कर रही होती है, लेकिन उनके साथ भी आस्का और एलेक्सा ब्लिस हैं। बेली यहाँ पे आके कहती है कि अरे तू अपने पुराने ही गाने गाती रहती है, मैंने तुझे 300 दिनों बाद हराया। फिर बियांका ब्लेयर कह रही है कि जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मैं चैंपियन थी, मैं सब कुछ शो संभाल रही हूँ, तो तू इंजर्ड है, तू कुछ नहीं कर पा रही। तो बेली कहती है मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, अब मैं चल के दौड़ना सीखूँ। मतलब दोनों अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। और यहाँ पे फिर बेली कहती है कि जो रॉ वुमेन चैंपियनशिप का मैच है उसको लैडर मैच बना देते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर आपको बियांका ब्लेयर और बेली का लैडर मैच देखने को मिलेगा। इस ओपनिंग सेगमेंट से हमको ये पता चला, और उसके बाद जैसे सारी चीज़ें वो लीड करती है बियांका ब्लेयर और इयो स्काई के मैच के लिए। अब ऑब्वियसली बात है बियांका ब्लेयर को कि आगे जाके अब चैलेंज करनी बेली को, तो कोई सवाल ही नहीं था कि यहाँ पर बियांका ब्लेयर हारेंगी। इयो स्काई को उन्होंने जो है अपना फिनिशर लगा के इस मैच में उनका जो काम है तमाम कर दिया। लेकिन मेरी एक कंप्लेन है, और कंप्लेन ये है कि ये ओपनिंग सेगमेंट बहुत लंबा हो गया। मैं मतलब मुझे पता नहीं, ट्रिपल एच के पूरे इस टाइम में ओपनिंग और एंडिंग पसंद नहीं आ रही है। यूजुअली मैं ऐसे देख रहा हूँ, अगर ओपनिंग अच्छी है तो एंडिंग बेकार है, एंडिंग अच्छी है तो ओपनिंग बेकार है, या फिर कभी कभी दोनों ही ऐसे हैं। अब ऐसा मुझे ही लग रहा है, फिर आपको भी लगता है मुझे आप लोग बताना। लेकिन ये ओपनिंग कुछ और तरीके से भी की जा सकती थी, मेरा ये कहना है। बेकार नहीं थी, शो के बीच में डालने के लिए सही है, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से कुछ वो तड़कता फड़कता एलिमेंट मुझे नहीं लगा। सिर्फ लैडर मैच की अनाउंसमेंट है, मतलब बड़ा मैच है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि शो पर बाकी चीज़ें देखे कि फिर इसको ओपनिंग में होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद हमको मैच एक सेगमेंट था, मैच तो नहीं था, मिस फोर्स करके मिस जो अपनी पूरी पलटन ले आया जो कि डेक्स्टर ल्यूमिस को कंट्रोल करेगी। लेकिन वो कंट्रोल क्या करती है, कंट्रोल ये करती है कि इवेंचुअली हमको यही देखने को मिलता है कि वो सारे मिस के बंदे हैं। पहले तो हट्टे कट्टे भी नहीं है, तो मिस खुद कह रहे हैं कि मैं हट्टे कट्टे बंदे नहीं लाया, क्योंकि मुझे हट्टे कट्टे बंदे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए दिमागदार बंदे, और मेरे बंदे सारे के सारे दिमागदार हैं। लेकिन डेक्स्टर ल्यूमिस ने उनको तो लपेटा, और वो पीछे जो है कौन सा तो था, वो रग्बी का था कि हॉकी का था, आइस हॉकी का, कोई सा तो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के खड़े हुए थे, और पीछे से आके उन्होंने, नहीं बेसबॉल था तो नहीं, बैट था ना, तो शायद वो आइस हॉकी था। तो उसके बाद जो है वो उसी से ठोक देते हैं मिस को, और उसके बाद अपनी गोदी पे सुला के, जैसे नानी या मम्मी हमको सुलाती है वैसे उन्होंने अच्छे से सुला दिया मिस को, ऐसे होल्ड में फंसा के बेहोशी उनको ले आए वो। तो डायरेक्टर मिस तो बिल्कुल कतई हाथ धो के पीछे पड़ गए मिस के, एंड मिस भी जो रिएक्ट करते हैं उसको देखने में मज़ा आता है। इसके बाद हमको सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो का मैच भी देखने को मिलता है, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है मैच था। मतलब दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि इस मैच के अंदर जो रेसलिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन इस मैच के रिजल्ट में क्या होता है, इस मैच के रिजल्ट में ये होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए बीच में, और फिर से जैसे एक दो हफ्ते पहले भी उन्होंने रॉ पर किया था कि वो झुक गए थे मिस्टीरियो के सामने कि ले मेरे बाप मुझे मार, हालांकि बाप मारता तो है नहीं, रिया रिपली ने आके जो है उल्टा बाप को ही मार दिया, और रे मिस्टीरियो ने इसका एडवांटेज उठाया। उन्होंने जो है रिंग में जाकर पहले स्टॉम्प लगाया, और मैच को उन्होंने डिफरेंट तरीके से फिनिश किया, जब उन्होंने होल्ड में फंसा के नेक टाई में बेहोशी ला दी रे मिस्टीरियो को, रेफरी ने जो मैच को स्टॉप कर दिया, और सबमिशन के सहारे से या फिर जो भी है बदहवास स्थिति में पड़ गए रे मिस्टीरियो, और सेथ रॉलिंस को यहाँ पर जो है विक्ट्री मिल जाती है। लेकिन हाँ, इस मैच से पहले सेथ रॉलिंस एक पूरा प्रोमो भी कट करते हैं, जहाँ पर वो बात करते हैं कि फाइट पिट के अंदर जो है रिडल का, मैं किंग हूँ फाइट पिट का, तुम कहते हो ना कि रिडल को मैच फेवर करता है, लेकिन भाई मैं सेथ रॉलिंस, मैंने स्टील केज लैडर मैच सारे तरीके के मैचेस किए हुए हैं, तो मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उनको गुस्सा भी आ रहा होता है कि कैसे वो यूएस चैंपियन आज शो के ऊपर नहीं है रिडल की वजह से। तो फाइट पिट मैच के लिए हाइप काफी सही बना दी WWE ने सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच के लिए। इसके बाद हमको अल्फा अकेडमी और केविन ओवेंस और गार्गानो का मैच भी देखने को मिलता है। ये भाई साहब टैग टीम रेसलिंग के हिसाब से ऐसा मैच है जो कि एक सेट करता है बेंचमार्क, इस तरीके के मैचेस होने चाहिए। मुझे केविन ओवेंस का वो जो स्वांटन बॉम्ब है वो काफी अंडररेटेड लगता है, क्योंकि उसके ऊपर हर कोई किक आउट कर देता है। भाई इतना भारी भरकम बंदा जब तुम्हारे ऊपर कूदेगा, तो आई थिंक ये जो एक फिनिशिंग मूव जैसा होना चाहिए, हालांकि इसको इतनी ज्यादा कोई तवज्जो मिल नहीं रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, और मतलब मुझे लगता है कि मिलना चाहिए इसको ज़्यादा, इसको उनको सिग्नेचर के अंदर ऐसे तो कुछ ऐड करना चाहिए कि इस पर भी बंदा जो है किकआउट ना कर पाए। बाकी हमको रिंग साइड के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी भी देखने को मिल जाते हैं जो कि जॉनी गार्गानो के लिए थे, लेकिन ये सारी बातें उनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती हैं, और विक्ट्री यहाँ पर जो है जॉनी गार्गानो और केविन ओवेंस की होती है, जो फाइनल बीट लगाते हैं, वो जो DDT मस्त तरीके से लगाते हैं गार्गानो, वो हमेशा ही उतनी मस्त लगती है, क्योंकि हमेशा उसका कुछ ना कुछ वर्जन लेके आते हैं, और आज भी जो है केविन ओवेंस और गार्गानो की टीम जो है विक्ट्री ले लेती है। हालांकि बाद में जो थ्योरी है वो बहुत परेशान भी होते हैं बैक स्टेज से, और उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, और ब्राउन स्ट्रोमैन कॉल में कह रहे हैं
रहे हैं केबल को कि भाई मैं तो नेक्स्ट वीक देख लूँगा, उनकी वहीं से फट जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद हमको ओमाउस का हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है। क्या ही यहाँ पर ज़्यादा बताऊँ, ओमाउस ने जो डिस्ट्रॉय कर दिया सबको और उसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर रख के उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बढ़िया सा कोई तगड़ी चीज़ WWE डालो ओमाउस के सामने तो हमको पता चले कि हाँ ये कुछ हम इसको सीरियसली ले सकते हैं। लेकिन हाँ ट्रिपल एच क्योंकि ओमाउस वाली स्टोरी लाइन को चला रहे हैं, विंस मैकमैन के चलाने में डिफरेंस है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ें हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको निकी एश और कैंडिस लेरे का मैच देखने को मिलता है। कैंडिस लेरे ने यहाँ पर जो है आज अपना रॉ के ऊपर ऐसे अपीयरेंस दिखाई है, क्राउड ने इसको बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया। एंड वही है ऑब्वियसली बात, यहाँ पे उनकी स्टार पावर ज़्यादा है तो निकी एश के सामने उनको क्या ही हारना था, जो उन्होंने स्विंगिंग नेक ब्रेकर लगा के निकी एश को चित किया और उस पर जो है विक्ट्री ले ली। इसके बाद हमको सैमी जेन वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलता है। और मैच से पहले जो जजमेंट है वो पूरा फंसा रही है एजे स्टाइल्स को कि देख हम फ्रेंड्स हैं, फिन बैलर कह रहे हैं हम फ्रेंड्स हैं, मैं तेरे को देख सकता हूँ, मैं तेरी बैक के लिए खड़ा हूँ, आ जा मेरे को कर ले। लेकिन एजे स्टाइल्स ने इस पर हामी नहीं भरी और ऑब्वियस ही था इस मैच के अंदर कि सोलो सिकोवा सैमी जेन के साथ में तो इंटरफेरेंस तो होने वाली है। इंटरफेरेंस का परफेक्ट मौके का इंतजार किया सोलो सिकोवा ने जब उन्होंने एजे स्टाइल्स को रिंग एप्रन के ऊपर यूरन आगे लगाई और उसके बाद सैमी जेन की हलुआ किक के बाद किकआउट नहीं कर पाए एजे स्टाइल्स और मैच को हार जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद पूरी जजमेंट डे आती है और फिन बैलर कहते हैं देख भाई हो गया, मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जा, तू नहीं आया, तेरे साथ ऐसा हुआ, अगर हम तेरे साथ खड़े होते तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। जो टू स्वीट करके वो जेस्चर करने आ रहे होते हैं लेकिन एजे स्टाइल्स ने कुछ ऐसी फिंगर दिखाई जो कि मैं तो नहीं दिखा रहा, ऐसी फिंगर उन्होंने दिखाई कि मामला थोड़ा सा ना ये एजियर चला गया और ये थोड़ी अडल्ट टाइप की ऑडियंस के लिए चला गया, 18 प्लस वाला पूरा सीन हो गया। यूजुअली ऐसी चीज़ें WWE एकदम से ड्रॉप नहीं करती टेलीविजन के ऊपर, करती ही नहीं है, विंस मैकमैन तो इसको बहुत ही अवॉइड ही करते थे, बिल्कुल कुछ रेयर ही हो जाता होता था। बट यहाँ पर वो ऐसे करने के बाद जो वो किया एजे स्टाइल्स ने, क्राउड भी उस पर बहुत तगड़ा रिएक्ट कर रहा था और उसके बाद एजे स्टाइल्स की हो जाती है सुताई करने के बाद जो है स्टील के बीच में उनको फंसाते हैं। फिन बैलर उनके ऊपर स्टॉर्म कर रहे थे लेकिन फिन बैलर रुक जाते हैं और कहते हैं देख मैं तेरा फ्रेंड हूँ, अगर मैं तेरा फ्रेंड ना होता तो फिर मैं तेरी हालत ख़राब कर देता। तो स्टिल फिन बैलर आप कह सकते हो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख ले भाई अभी भी मैंने मारा नहीं है तुझे, तू आ सकता है मेरे पास दोबारा। तो शायद एजे स्टाइल्स को कंसिडर कर सकते हैं और हो सकता है जजमेंट डे एजे स्टाइल्स को अपनी टीम में भर्ती करवा के ही माने, क्योंकि मुझे तो फिन बैलर इतने ज़्यादा पीछे पड़े हुए लग रहे हैं एजे स्टाइल्स के। देखते हैं क्या एजे स्टाइल्स इस बात में मानते हैं या फिर नहीं। और शो के मेन इवेंट के अंदर तो कुछ मैं कह नहीं रहा कि ओपनिंग ऐसी और मेन इवेंट कैसा, शो के मेन इवेंट के अंदर डेमन प्रीस्ट और रिडल का मैच, सब आपको सोच के लग सकता है क्या होगा इस मैच के अंदर। अब इस मैच के अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करती है भाई जजमेंट डे, मैं इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि वर्क कर रही है जजमेंट डे के लिए और ये इरिटेट होना देखा जाए तो स्टोरीलाइन वाइज अच्छा भी है, क्योंकि जजमेंट डे ऐसी तो है नहीं कि भाई अभी उनका मुझे फ्यूचर में काफ़ी स्कोप लग रहा है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया बिल्ड हो रहा है जजमेंट डे का और वो इरिटेट होना आई थिंक इसी का एक पार्ट है। तो विक्ट्री तो मिल गई यहाँ पर इस मैच में डेविन पीस के सामने रिडल को, क्योंकि उन्होंने रिडल करके पिन कर लिया। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ सारे की सारी जजमेंट डे पूरी की पूरी टूट पड़ी रिडल के ऊपर और उस समय थीम सॉन्ग प्ले होता है यू थिंक यू नो मी, और एज ने भाई मतलब मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में एज के सबसे बेस्ट स्पीयर्स हैं जो बिल्कुल रॉकेट की तरह घुसेड़ा है उन्होंने। सबसे पहले डेविन प्रीस्ट को मारा, उसके बाद डोमिनिक को तो रिया रिप्ली ने खींचा कि ले आ जा भाई तेरे से कुछ ना होगा, तू नीचे उतर ले या जो भी है, पूरी रक्षा करी रिया रिप्ली ने डोमिनिक की। और उसके बाद जो फिन बैलर को बिल्कुल तीर की तरह स्पीयर मारा, मतलब डेविन प्रीस्ट को स्पीयर और फिन बैलर को जो मारा उन्होंने मस्त था, मैंने तो उसको बार बार पीछे जाके देखा इतना मस्त था। इसके बाद एज सीधा माइक लेते हैं और कहते हैं देख मैं गिरा उठा फिर खड़ा हुआ, मैं क्विट नहीं करता, और वो फिन बैलर को यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं एक्सट्रीम रूल्स के आई क्विट मैच के लिए। तो कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं तो शायद ये चीज़ हो सकती है, और आज WWE ने जो है इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब ये मैच बहुत तगड़ा होगा यार, मज़ा आएगा इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा, आज के मंडे नाइट रॉ को देखने में भी काफ़ी मज़ा आया। लेकिन आपके लिए कुछ और भी बातें बताने के लिए, सबसे पहले तो गाइस 10 अक्टूबर का जो मंडे नाइट रॉ का सीजन प्रीमियर होने वाला, जो मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर डी जनरेशन एक्स का भी 25 साल जो है ऐसे कुछ सेलिब्रेशन होने वाला, शायद ऐसा कुछ है ना। तो अब WWE जो है क्या करने वाली है, रोमन रेंस एंड पूरी ब्लड लाइन को भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेकर आएगी, यानी कि 10 अक्टूबर के एडिशन के अंदर आपको पूरी की पूरी ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, रोमन रेंस देखने को मिलेंगे रॉ पर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रॉ के ऊपर रोमन रेंस आ रहे हैं, तो एक स्टोरी लाइन से भी इसका कोई कनेक्शन बना के देखा जा सके तो आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली और फिराने वाली है। अब भाई देखो इंटरनेट के ऊपर इतने 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 ज़्यादा ब्रेव एड के बारे में चीज़ें हैं कि अच्छा इसका ये लिंक है, उसका वो लिंक है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, आज भी QR कोड वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें थी। मैं उन सारी चीज़ों को जानबूझ के रिपोर्ट नहीं करता क्योंकि उतना दिमाग क्यों मारना है इसमें, क्योंकि जब हमको पता ही है कि ब्रेव एड आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
वाइट रैबिट रिकॉर्ड्स नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर जो कि 15 साल पुराना है, और उस टाइम पर कोई वाइट रैबिट से रिलेटेड जो है आप ऐसा गाना वाना बजा था, मतलब डला था, तो अब 15 साल बाद जाके एक वीडियो उस पर डलती है जिसका नाम है 04062, और इस 3 सेकंड की वीडियो के अंदर कुछ है भी नहीं, 04062 जो है चल रहा है। अब इस पर फिर ऐसे दिमाग लगाया गया कि अच्छा ये क्या हो सकता है, तो जब दिमाग लगाया गया तो पता ये चला कि ये जिप कोड है उस एरिया का जिसका नाम है विंधम। अब आपको पता है रियल लाइफ का जो ब्रेव आर्ट का नाम है वो है विंधम रोटुंडा, जो भी बोलना है अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो विंधम रोटुंडा उनका जो है रियल लाइफ का नेम, और विंधम इस जिप कोड से निकल के आता है इस जगह का नाम। तो ये यहाँ से क्लियर साइन हमको लग रहा है कि WWE इसी तरफ जो है इस चीज़ को लेके जा रही है। अब पता तो है ब्रेव आर्ट आने वाला है, लेकिन ये कितनी डिटेल में जाके कर रहे हैं, मतलब कि ये तो बिल्कुल ऐसा काम हो गया कि आपको पूरी फुल फोर्स बैठा के बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। और शायद इससे हमको ये पता चलता है कि ब्रेव आर्ट का कोई डिफरेंट वर्जन है ये, ना ये ब्रेव आर्ट हो सकता है ना फीड हो सकता है, ब्रे द विंधम वायट हो सकता है या विंधम हो सकता है, कुछ ऐसे करके WWE इसको लेके आएगी। बट मज़ा आ रहा है इसको देखने में, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि कैसे से क्या कनेक्शन बैठा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और शायद अब कुछ टाइम की ही बात है कि आपको ब्रे वायट फीड विंधम रोटुंडा जो भी हैं वो टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।